हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर जीके क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 15, दैट इज मास्टर म्यूजिशियन। माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक? आप गाना सुनना पसंद करते हो? आई होप यू ऑल लाइक टू लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। सो क्या आपने कभी सोचा कि सॉन्ग को बनाने में कितने पर्सन हैं, मतलब सॉन्ग को कौन कंपोज करता है, कौन उसके लिरिक्स लिखता है, कौन उसको गाता है, और जो गाते हैं वो कौन है, जो बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं वो कौन है? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट देम, अबाउट सम मास्टर्स म्यूजिशियंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। सा रे गा मा पा धा नी, द सेवन नोट्स स्वर ऑफ इंडियन म्यूजिक आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सरगम। मीन्स कि ये सा रे गा मा पा धा नी, ये जो सेवन नोट्स हैं, जो सेवन स्वर हैं, सात स्वर हैं, उन्हें भारतीय म्यूजिक में उन्हें एक साथ क्या बोला जाता है? सरगम। Over the years, the interaction of diverse cultures has given Indian music its rich and complex flavor. कई सालों से भारत की इस सभ्यता को, मिस इस सरगम को, इनके गाने वालों को, इन्होंने भारतीय म्यूजिक संस्कृति को बहुत ही ऊँचे स्तर पर पहुँचाया है। So in this chapter we will study about these famous music musicians. In this chapter, firstly we have to read the information and we have to identify these pictures and we have to write their names. Means firstly जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें वो पढ़ना है, उसके बाद ये जो दो बॉक्स हैं हमें इनको फील करना है। फर्स्ट में उनके कैरेक्टर को और सेकंड में उनके नेम को प्ले करना है, उनके पिक्चर को पहचानते हुए। ओके, सो फर्स्ट इज अ फेमस सरोद प्लेयर हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2001। सो This is Amjad Ali Khan. You can see in first picture, this is Amjad Ali Khan. And this instrument is known as sarod. Means उनके हाथ में आप जो instrument देख रहे हैं वो sarod है, और ये है Amjad Ali Khan. Amjad Ali Khan Bhangash and Indian क्लासिकल सरोद प्लेयर बेस्ट नोन फॉर हिज क्लियर एंड फास्ट इकहरा तांस। अमजद अली खान जी का पूरा नाम अमजद अली खान भंगास है। ये भारतीय संस्कृति के सरोद प्लेयर हैं, मीन्स भारतीय संगीत के, शास्त्रीय संगीत के सरोद प्लेयर हैं, और ये अपनी क्लियर और फास्ट इकहरा तान के लिए फेमस है। सो इन दिस इन फर्स्ट बॉक्स वी विल राइट हियर वन, एंड इन सेकंड बॉक्स वी विल राइट बी, उस्ताद अमजद अली खान। ओके, सेकंड इज अ ग्रैमी अवार्ड विनिंग percussionist
who plays the ghatam, yeah, ghatam, a Grammy Award winning percussionist who plays the ghatam. So this is T.H. Vinayakaram. T.H. Vinayakaram. Full form of T.H. Vinayakaram is Thethakudi Harihara Vinayakaram. T.H. Vinayakaram ka pura naam Thethakudi Harihara Vinayakaram hai. Also known as Vikku Vinayakaram. इनको विक्कू विनायक्रम के नाम से भी जाना जाता है. इज द लेजेंडरी ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन पर्कसनिस्ट. ही प्लेज कार्नेटिक म्यूजिक विद द घाटम एंड अर्थन पॉट एंड इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द घाटम. सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो ये हैं टी एच विनायकरम और इनके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है घटम. और टी एच विनायकरम जी घटम को प्ले करने के लिए मीन्स घटम बजाने के लिए ही फेमस हैं. ये ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं एंड ही प्लेज कार्नेटिक म्यूजिक. मीन्स कार्नेटिक म्यूजिक मीन्स कि कर्नाटक का जो म्यूजिक है उसे कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं. तो ये घटम के साथ कार्नेटिक म्यूजिक को प्ले करते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ घटम. टी एच विनायकरम जी घटम को प्ले करने के लिए इतने फेमस हैं कि इन्हें गॉड ऑफ घटम का दर्जा दिया जाता है या दिया गया है. सो इन सेकेंड वी विल राइट हियर टू एंड इन सेकेंड बॉक्स ई. ओके थर्ड इज अ नोटेड तबला प्लेयर हुज सन उस्ताद जाकिर हुसैन इज ऑल्सो अ ग्रेट तबला player. So can you tell me the name of this noted tabla player? ये उनके बारे में बात किया जा रहा है जिनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन हैं और उस्ताद जाकिर हुसैन भी एक फेमस या महान तबला वादक हैं. So this clue is talking about उस्ताद अलारखा कुरैसी. यू कैन सी इन लास्ट फिगर ही इज उस्ताद अलारखा कुरैसी. उस्ताद अलारखा कुरैसी पॉपुलरली नोन एज अलारखा वॉज एन इंडियन तबला प्लेयर. उस्ताद अलारखा कुरैसी जी को उस्ताद अलारखा भी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय तबला वादक थे हु स्पेशलाइज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्पेशलाइज्ड थे. ही वॉज अ फ्रिक्वेंट कंपनिस्ट ऑफ सितार प्लेयर रविशंकर. इसके साथ ही यह एक फेमस सितार प्लेयर रविशंकर के सहभागी थे मीन्स उनके साथ ये तबला वादक का कार्य करते थे मीन्स उनके साथ ही ये तबला वादक थे. सो इन दिस वी विल फिल यर थ्री इन सेकेंड बॉक्स सी. ओके नेक्स्ट इज अ वेल नोन फ्लूट प्लेयर हु बिगन हिज कैरियर एज अ रेसलर. अ वेल नोन फ्लूट प्लेयर हु बिगन हिज कैरियर एज अ रेसलर.
So, this is all about Hariprasad Chaurasia. You can see in this picture, he is Hariprasad Chaurasia. जिन्होंने अपने ये एक बांसुरी वादक हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रेसलर के तौर पे की थी. रेसलर मतलब कुश्ती. हरिप्रसाद चौरसिया इज एन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड क्लासिकल फ्लोटिस्ट हु प्लेज द बांसुरी एंड इंडियन बम्बू फ्लूट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन. हरिप्रसाद चौरसिया जी भारतीय संगीत के डायरेक्टर मीन्स निर्देशक भी हैं और साथ ही में ये सांस्कृत बांसुरी वादक भी हैं. ये बांसुरी बजाते हैं जो कि भारतीय बैम्बू फ्लूट मीन्स जो बांस की लकड़ियों से जो फ्लूट बना होता है, बांसुरी बना होता है, उसे ये हिंदुस्तानी मतलब भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अकॉर्डिंग बजाते हैं. इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1938 इन अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म 8 जुलाई 1938 में उत्तर प्रदेश के अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. सो इन दिस बॉक्स वी विल फील 4 F. ओके, नेक्स्ट इज अ वेल नोन सितारिस्ट एंड जायंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. एक जाने माने सितारिस्ट मीन्स जो सितार प्ले करते हैं और हिंदुस्तानी भारतीय सांस्कृतिक संगीतकार. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट उस्ताद विलायत खान. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज ही इज उस्ताद विलायत खान बट नाउ ही इज नो मोर. सो लेट उस्ताद विलायत खान. उस्ताद विलायत खान वॉज एन इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर. इनके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है सितार. तो उस्ताद विलायत खान जी भारतीय सांस्कृतिक सितार प्लेयर थे. इफ वन डिडंट नो वन माइट नॉट थिंक that Ustad Vilayat Khan comes from a long lineage of sitarist. Means कि ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं कि उस्ताद विलायत खान जिस फैमिली से आते हैं वो उनकी फैमिली बहुत लंबे समय से सितार बजाती चली आ रही है. जैसे कि इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर और इनके भाई, ये सब भी सितार प्लेयर थे. खान अलोंग विथ हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ब्रदर आर वाइडली क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द गायकी अंग ऑफ सितार प्लेइंग. मीन्स कि इनके पिताश्री, इनके दादाश्री और इनके भाईश्री को गायकी अंग जो कि संगीत का ही एक भाग है, सितार प्लेयर के गायकी अंग के विकास का बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है.
His grandfather, Imdad Khan, was such a highly regarded sitarist that the Itav Gharana was renamed Imdad Khani Gharana. इनके जो दादा थी जी थे इमदाद खान जी वो भी एक बहुत बड़े सितारिस्ट थे, सितार प्लेयर थे, जिनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इटाव घराने का नाम इमदाद खानी घराना के रूप में रीनेम किया गया. सो इन दिस बॉक्स वी विल फील एफ ए. ओके, सो दिस इज उस्ताद विलायत खान. नेक्स्ट इज द नाइटिंगल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारतरत्न. द नाइटिंगल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक मीन्स की कन्नड़ म्यूजिक या कार्नेटिक म्यूजिक की नाइटिंगल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. और ये पहली म्यूजिशियन, पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न से, भारत रत्न का अवार्ड मिला या भारत रत्न से नवाजा गया. सो दिस इज एम एस सुब्बुलक्ष्मी. एम एस शुभु लक्ष्मी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी इज एम एस शुभु लक्ष्मी. फुल फॉर्म, फुल नेम ऑफ एम एस शुभु लक्ष्मी इज मधुराई सन्मुखा वायद्वी शुभु लक्ष्मी. वॉज एन इंडियन कार्नेटिक सिंगर फ्रॉम मदुरई तमिलनाडु. ये भारतीय कन्नड़ संगीतकार थी तमिलनाडु के मदुरई से. सी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर. इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था. ये पहली ऐसी संगीतकार थी जिन्हें ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था. और साथ ही इन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड भी दिया गया था, जिसे कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं. सी इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैग्सेस अवार्ड, ऑफन कंसीडर्ड एशियास नोबेल प्राइज. तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड के साथ ही रमन मैग्सेस अवार्ड भी दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है. सो इन दिस बॉक्स वी विल फील सिक्स डी. सिक्स डी अब नेक्स्ट नंबर सेवन. अ वेल नोन संतूर प्लेयर ऑनर्ड विथ द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1986. सो दिस क्लू इज टॉकिंग अबाउट पंडित शिव कुमार शर्मा. यू कैन सी हियर इज पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि एक जाने माने संतूर प्लेयर हैं और जिन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था. श्री शिव कुमार शर्मा इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग यूजफुल इनोवेशन इन संतूर टेक्निक. शिव कुमार शर्मा को संतूर के टेक्निक मीन्स संतूर के यूजफुल टेक्निक, इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो है संतूर, तो इनको संतूर के टेक्निक के लिए क्रेडिट
पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संतूर के यूजफुल इनोवेशन के लिए क्रेडिटेड किया जाता है। इस चीज़ का संतूर के यूजफुल इनोवेशन का क्रेडिट पंडित शिव कुमार शर्मा जी को जाता है। फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन म्यूजिक शिव कुमार शर्मा हैज रिसीव्ड अ नंबर ऑफ ऑनर्स। संगीत में इनकी निर्णायक भूमिका के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी को कई सम्मान दिए गए, जिसमें कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सो इन दिस बॉक्स वी विल फील 7H, वी विल फील 7H, ओके। एंड लास्ट, अ हाईली पॉपुलर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एंड एन इनोवेटर ऑफ द जयपुर घराना। अ हाईली पॉपुलर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट की बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति गायिका और जयपुर घराने की इनोवेटर, मीन्स जयपुर घराने के संस्थापक। सो सी इज किशोरी अमोनकर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी सी इज किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर बॉर्न अप्रैल 10, 1932, मुंबई, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सिंगर्स इन द हिंदुस्तानी ट्रेडिशन एंड एज इनोवेटिव एक्सपोनेंट ऑफ द जयपुर घराना। किशोरी अमोनकर जी का जन्म 10 अप्रैल 1932 में बॉम्बे में हुआ और यह भारतीय संस्कृति की गायिका है। इसके साथ ही ये जयपुर घराने की इनोवेटर भी है और किशोरी अमोनकर ऑल्सो डेवलप्ड हर ओन पर्सनल स्टाइल विच रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर घरानास एंड हैज जनरली बीन रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल वेरिएंट ऑफ द जयपुर ट्रेडिशनल। किशोरी अमोनकर जी ने अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप किया जो कि अदर घराने के इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है और इसके साथ ही इन्होंने जयपुर परंपरा के अनुसार जयपुर परंपरा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जयपुर घराने का इन्होवेट किया, मीन्स जयपुर घराने की नींव रखी। सो इन दिस बॉक्स वी विल फील 8G, ओके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस म्यूजिशियन कि ये जिनके पिक्चर दिख रहे हैं वो कौन है, इन्होंने भारतीय संस्कृति में अपने म्यूजिक से, अपने इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग से कितना योगदान दिया है और इनके योगदान के लिए इन्हें किस किस अवार्ड से नवाजा गया है, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, ओके। सो नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टाइम एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस अगेन एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स। You have to make your notes neat and clean. Okay? So thank you and God bless you, my dear students.